आदाब नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। 5 वर्षीय बालिका से बलात्कार करने के आरोपी को किया पुलिस ने गिरफ्तार। शांति व्यवस्था बनाए रखने को जिलाधिकारी ने ली चिकित्सकों की बैठक। व्यापार मंडल ने सोपा पूर्व विधायक को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन। खाद्य विभाग ने रोडवेज बस स्टैंड पर चलाया जागरूक अभियान। ज्ञान कृषि स्कूल में आज से शुरू हुई 2 दिवसीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता। शेखपुरा के ग्रामीणों ने किया पूर्व विधायक का सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए SSP सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि 12 तारीख की रात्रि को मोहल्ला ठिठर वाली गली में एक 5 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार की घटना घटित हुई, जिसमें कार्यवाही करते हुए 15 घंटे के अंदर ही थाना मंडी पुलिस ने मदरसे के पास से आरोपी अभियुक्त मोहम्मद सुहेल पुत्र मोहम्मद मुस्तकीम निवासी छटेरों वाली गली को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूला है। धार्मिक स्थल के ऊपर मुर्गी व बतख दिखाने का बहाना करके उस बच्ची को छत पर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया और बच्ची को मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद से के द्वारा बताए गए निशानदेही के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। और विकास भवन के सभागार में जिलाधिकारी नागेंद्र प्रताप सिंह वे SSP सुभाष चंद्र दुबे ने IMA से जुड़े सभी डॉक्टर्स की बैठक ली और कहा है कि शांति व्यवस्था बनाने में आप सभी डॉक्टर्स प्रशासन का सहयोग करें और लोगों को समझाने का भी कार्य करें। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के कार्यकर्ता आज पूर्व विधायक राजीव गुंबर से मिले और एक मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उनको सौंपा। जिला अध्यक्ष विमल वीरमानी ने बताया है कि सहारनपुर के व्यापारियों को इस सरकार से अपने जनपद के लिए बहुत ही आशाएं हैं, किंतु पुल जोगयान से लेकर बेट अड्डे तक की सड़क जो कि नगर निगम के अंतर्गत आती है, बावजूद लोक निर्माण विभाग अपनी सड़क बताकर उनको 10 से 25 फीट पीछे हटाने का नोटिस भेजकर व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। जो शहर की कुछ समस्याएं हैं उसके बिल्कुल आप लोगों ने समस्या बताई है, उसको मेरा पूरा ध्यान भी है और इसे मैं प्रमुखता से करवाऊंगा। खाली ये नहीं कि ज्ञापन लेके करवाऊँ, मैं इस पर शुरुआत भी कर चुका हूँ। आपसे उम्मीद है तभी इसलिए आया बिल्कुल। वो अखबार में पढ़ा भी है कि आप मिले हैं। मैंने भाई साहब से सुबह खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन सहारनपुर द्वारा आज जन जागरूक अभियान चलाया गया, जिसमें कारोबारियों उपभोक्ताओं को आवश्यक जानकारी दी गई। कारोबारियों को बताया कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री सुरक्षित हो, इसके अलावा प्रयोग में लाए जाने वाले पानी की जीविकाएं रासायनिक जांच कराना सुनिश्चित करें। ज्ञान कलश इंटरनेशनल स्कूल में आज टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन नगर विधायक संजय गर्ग द्वारा फीता काटकर किया गया। शेखपुरा कदीम की प्रधानी बहाल होने पर आज वहां के प्रधान व समर्थकों ने पूर्व विधायक राजीव गुंबर के आवास पर जाकर उनका अभिनंदन व सम्मान किया। उनका कहना है कि पूर्व विधायक राजीव गुंबर के प्रयास से ही ये संभव हो पाया है, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। लोकतंत्र में किसी की अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। नहीं, सही है, बहुत बड़ी बात है।
कोट रोड पर नगर निगम द्वारा तोड़ी गई सड़क के कारण जाम की स्थिति बनी रही। सड़क के बीचों बीच डाली जा रही सीवर लाइन के पाइप डालने के लिए जेसीबी से तोड़ी गई सड़क को एक तरफ से बंद कर दिया गया था, जिसके कारण कोट रोड पर आज दिन भर जाम की समस्या बनी रही। 1360 हो गए अब तक। हेलो, सहारनपुर व्यापार मंडल की मासिक बैठक का आयोजन आज घंटाघर स्थित कार्यालय पर किया गया। बैठक में अध्यक्ष राधेश्याम नागर ने कहा है कि शहर में बढ़ते दंगों के कारण व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है, जिसको लेकर वो जल्द ही मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे।